इसकी इतनी हिम्मत, ये मुझे चिट्ठी दे रहा है, ऊपर से गंदे गंदे इशारे भी कर रहा है। इसको तो मैं बताती हूँ। तेरी ये औकात कि तुम मेरे ही घर के बाहर आकर मुझे ये चिट्ठी दे रहा है? हाँ मैडम, आप एक बार इसमें पढ़ो तो इसमें क्या लिखा हुआ है। क्या हो गया? देखो ना, ये मुझे छेड़ रहा है और गंदे गंदे इशारे भी कर रहा है। अरे नहीं नहीं साहब, मैंने कोई गंदी हरकत नहीं की है। चुप कर तू। अरे ये तो है ही गंदगी, लेकिन मुझे ना तुझ पे ही शक हो रहा है। तूने ही कुछ किया होगा, किए होंगे इसका कोई गंदे इशारे। पता नहीं मैंने तुझसे क्यों शादी कर ली, आज तक तू मेरे को एक बच्चा नहीं दे पाई है, बांझ कहीं की। अब तू क्या खड़ा है यहां पे? जाएगा यहां से या पिट के ही निकलेगा? चल निकल यहां से। साहब मैं चला जाऊंगा, पर मेम साहब आप एक बार कम से कम ये पढ़ तो लो, इसके बाद मैं पक्का चला जाऊंगा। मेम साहब, मैं जानता हूं कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है, मेरे पास एक बच्चा है, आप उसे अपना सकते हो तो मैं आपको वो बच्चा दे दूंगा। मगर तुमको कैसे पता चला कि हमको बच्चा नहीं हो रहा है? वो मैडम उस दिन आप पार्क में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रही थी, तब मैंने सुन लिया था सब कुछ। हेलो, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि, अरे क्या बोला बताओ ना। डॉक्टर ने बोला कि मैं माँ नहीं बन सकती। क्या तुम क्या बोल रही हो? ये मेरी तो पूरी किस्मत खराब हो गई, तुमसे शादी कर ली मैंने। अच्छा होता शादी से पहले ही मैं तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करा लेता, कम से कम ये तो पता लग जाता कि तुम माँ नहीं बन सकती। मैंने पता नहीं किस बांझ से शादी कर ली, मेरा पूरा वंश खराब हो गया। तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी फोन रखो। हेलो हेलो हेलो, मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं तो माँ बन सकती हूँ मगर ये बाप नहीं बन सकते। तो क्या वो बच्चा आप हमें सच में दे दोगे? हाँ हाँ मैम साहब, मैं वो बच्चा आपको जरूर दे दूंगा। तो क्या हम उस बच्चे से एक बार मिल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, तो अभी चलते हैं। चलो। नहीं नहीं एक मिनट, आप लोग यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ ना बच्चे को, बस यूं गया और यूं लेकर आया। लेकिन पक्का लेके आओगे ना? हाँ हाँ पक्का, मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है। देखो ना कितना प्यारा बच्चा है। हाँ प्यारा तो बहुत है, लेकिन भाई ये बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला? वो मैं अभी कुछ दिन पहले यूं ही रोड पर भीख मांग रहा था, तभी मैंने देखा एक कार से एक साहब आए और इस बच्चे को वहीं रोड पर छोड़कर चले गए, तो मैंने इस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले गया। पर आप तो जानते ही हो कि मैं भीख मांगता हूँ, तो मैं अपना गुजर बसर कर नहीं पाता ठीक से, इस बच्चे को कैसे पालता। और मैंने मैम साहब को सुना भी था कि इनको बच्चे की जरूरत है, तो मैंने सोचा यहाँ रहेगा तो इसे माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा, तो इसलिए मैं इसे आपके पास ले आया। और मेरे साथ रहेगा तो आगे चलकर ये भी भीख ही मांगेगा ना, आपके साथ रहेगा कम से कम एक अच्छी जिंदगी मिलेगी इसे, आगे चलकर कुछ बनेगा, और बड़ा होगा तो आप बता देना कि इसे मैं लेकर आया था यहाँ पर। ऐसे कैसे कोई इतने प्यारे बच्चे को रोड पे गिर के जा सकता है? कैसे कैसे लोग होते हैं। खैर ये तो भगवान का इशारा है, इसकी किस्मत में ना मेरी जैसी माई लिखी थी। तुम ना बिल्कुल मत फिक्र करो, मैं इसको पढ़ा लिखा के अफसर बनाऊंगी, दुनिया की हर खुशी दूंगी। भैया तुम नहीं जानते,
तुमने ना आज हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। हम दोनों इस बच्चे के लिए कब से तरस रहे थे। आप ना भगवान का रूप हो हमारे लिए, आप फरिश्ते हो। आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच भैया। सॉरी भाई, मैंने तुम्हें इतना बुरा भला भी बोला और मैं हमेशा इसे भी गलत समझता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सारी गलती मेरी है। अगर लाइफ में तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो ना, तो तुम मेरे पास आना, बेफिक्र आना, मैं तुम्हारी हर चीज की मदद करूंगा। मैं इसे जरूर बताऊंगा कि इस बच्चे को एक नई जिंदगी देने वाले ना तुम हो। और तुम एक काम करो, ये मेरा कार्ड है, तुम मुझे मेरे ऑफिस में आके मिलो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, जो मुझ जैसे गरीब पर इतना बड़ा उपकार कर रहे हो। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं आपको आपके ऑफिस में मिलूंगा। पूर्वी, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बोला, खाली मेरी खुशी के लिए सारी सच्चाई छुपा के रखी, जबकि सारी कमियां मुझ में थी, लेकिन तुमने मुझे कभी पता नहीं लगने दिया, बस इसलिए कि मुझे बुरा ना लगे। प्लीज मुझे माफ कर दो पूर्वी। कोई बात नहीं, वो सब छोड़ो, अब इस बच्चे को पकड़ो।